जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली एसएससी ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे खास चेंज नहीं है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि पिछले जो पहले जो था प्रोसेस कोई चेंज तो नहीं है। ठीक है, तो ये नोटिस है, ये एज इट इज़ नोटिस आपको एसएससी की साइट पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने डाल दिया, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम आपका है मई में और फॉर्म फिल होने चालू हो गए हैं। 4 मार्च से 28 मार्च के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं और 29 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि कोई गलती आपसे होती है फॉर्म भरने में, तो फिर आप 30 और 31 मार्च तक उसको सुधार भी सकते हैं। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी हो गई कि फॉर्म आपका 4 तारीख से और 28 तारीख तक भरा जाना है। मई में आपका पेपर होगा, तो ये दूसरा पेपर है जो मई में आने होने वाला है। इसके पहले फेज 12 के भी पेपर आपके, ठीक है। तो दो नोटिफिकेशन आ गए और दोनों दो महीने के अगले 2 महीने के बाद ये सारे पेपर आपके होने हैं, तो बढ़िया से तैयारी में लग जाएं। वैकेंसीज जो हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कुछ इस तरीके से हैं। टोटल यदि वैकेंसी देखें दिल्ली में जो सब इंस्पेक्टर की हैं वो 125 हैं और फीमेल की जो है वो 61 है। और GDCF में देखें तो टोटल जो हैं वो आपकी मतलब टोटल जो वैकेंसी हो रही है वो 4001 करीब हो रही हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज ठीक ठाक हैं और यह है कि लगातार वैकेंसी आ रही हैं। रेलवे के भी चल ही रहा है, एसएससी ने भी 2 पेपर तो दे ही दिए, फेस 12 को दे दिया और ये दे दिया। यदि ऐसे ही चीज़ें चलती रहें, हर साल ऐसे लगातार वैकेंसी आती रहें, तो थोड़ी कम भी आए तो भी बढ़िया है। अब आप 4-5 साल में वैकेंसी दो तो फिर इतनी कम वैकेंसी में काम नहीं चलता है। हर साल वैकेंसी यदि लगातार आ रही हैं तो ठीक है। तो टोटल वैकेंसी यदि देखें, ये सब मिला के लगभग आपकी 4200-4300 वैकेंसी आपकी 4200 करीब हो जाएंगे। ठीक, बाकी और इसमें कोई खास चेंज नहीं है। नोटिफिकेशन में बहुत सारे पेज होते हैं, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सीपीओ के 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, GA आएगा और इंग्लिश आएगा। सभी के 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स में। और जो पेपर 2 होता है वो केवल इंग्लिश का पेपर होता है, उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स होते हैं, 2 घंटे का पेपर होगा। ये पहले पेपर फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा। हालांकि सेकंड पेपर के देने के पहले आपका फिजिकल होता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर जैसे क्वालिफाई होगा तो फिजिकल होगा, फिजिकल आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर आपकी फाइनली मेरिट बनती है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस आपकी होगी। और NCC से रिलेटेड आपके कोई सर्टिफिकेट हैं तो आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो जिनके भी सर्टिफिकेट NCC हो, बी हो, ए हो, तो उनके लिए 10, 6 या 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यही सारी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ऐसा कुछ खास, कोई ऐसा अलग से चेंज कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बता दी। एग्ज़ाम की डेट तो आपके पास 2 महीने हैं। ठीक है, मार्च चल रहा है, शुरुआत ही है मार्च अप्रैल, मई में तो आपके पेपर ही हैं। ठीक है, तो मई में आपके 6, 7, 8 मई में पेपर हैं। ठीक है, 9, 10, 13 मई में आपके पेपर है, तो 2 महीने ही आपके हैं। तो 2 महीने आपके रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट लगाने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए सफिशेंट है। 0 से तैयारी करने के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करने वाले वैसे भी आपको पता है कि कहाँ सिलेक्शन ले पा रहे होते हैं। तो जिनकी तैयारी है, 2 महीने में अच्छी तैयारी अपनी कर लो, बढ़िया प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा लो, थोड़ा सा मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ और बढ़िया से रिवीजन कर लो। बाकी जैसे ही और कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तब फिर मिलेंगे। पढ़ते रहो तब तक सब। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।